अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं चाय वाला। मैं आपको आज सिखाने वाला हूं कि जिम का बिजनेस कैसे चलता है। एज यू कैन सी, अगर आप मुझे काफ़ी अरसे से फॉलो कर रहे हो, मैं अपनी जिम में बैठा हूं। मेरी जो जिम है वो 24 आवर चलती हैं, यूके में है, बट दिस बिजनेस कैन बी रन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटे चलाओ। आप अपनी जो जिम है सुबह 6 से लेकर रात 11 बजे 10 बजे तक चला सकते हो। पाकिस्तान में फिलहाल जो रुझान है वो कम है, यानी जल्दी बंद हो जाती हैं, बट बड़े शहरों में इफ यू गोइंग टू रन दिस यू मस्ट रन इट। यानी जब रेस्टोरेंट्स बंद होते हैं यू हैव टू इक्वली उसके साथ बराबर रखना पड़ेगा। अगर आप दुबई में हो या बड़ी सिटीज में हो लाइक कराची एक्सेट्रा, 24 घंटा खोलना वुड गिव यू एन एडवांटेज, बिजनेस एडवांटेज। मेरी जो जिम है ये वाली इस यानी मेरी एक ही जगह पे है, एक ही साइड पे, एक लेडीज वाली एक मेंस वाली। जब मैं कहता ना मेरी जिम में दो हैं, बट एक लेडीज की एक मेन की है। दे रन रिसेप्शन दोनों की एक ही है एंड दे रन ऑन 7 स्टाफ मेंबर्स। ठीक है, 7 बंदे इसको चलाते हैं। जो रात वाली शिफ्ट होती है वो 12 घंटे की होती है, 8 to 8 इन द मॉर्निंग तक, एंड 2 बंदे संभालते हैं। एक बंदा 3 दिन करते है, एक बंदा 4 दिन करता है। एंड वॉट यू नीड इज मिनिमम इसके लिए 4000 स्क्वायर फुट, जिसमें से आप बाथरूम शावर रिसेप्शन वगैरह सारा डाल दो। दिस इज उस वक्त जब आपने उसमें क्लासेस नहीं डालनी, और क्लासेस डालने की कोई खास जरूरत नहीं है अनलेस यू आर गोइंग टू उस पर आप ज्यादा जोर लगाओगे और पैसे बढ़ाओगे। लेडीज को क्लासेस की जरूरत होती है, मेन वाली जिम में उनको क्लासेस की जरूरत नहीं होती। आपकी जो टोटल लागत आएगी विल बी 1,25,00,000 रुपए। ठीक है, और ये जो जिम आपको मैं बताने जा रहा हूं ये पॉश किस्म की जिम है। आप महाना चार्ज करोगे 2,000 से 3,000 रुपए। इस पैसे में आराम से आपके 100 दाने या 100 इक्विपमेंट्स जो हैं जिम वाली आ सकती हैं, अच्छी खासी आ सकती हैं। अगर आप चाइना से लोगे इसमें आप टैक्स पूरा दोगे। टैक्स पाकिस्तान में मैंने आपको पहले वीडियो बना दिया जहां पे मैंने बताया था कि 34% लगेगा, दैट इंक्लूड्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग अदर देन एजेंट फी और वहां से शिपिंग, पोर्ट से लेके शिपिंग आपकी जिम तक, और फिर उसको असेंबली करना। लेकिन इस 1,25,00,000 में ये पूरा आ जाएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग के पाकिस्तान में जो आपको पता भी है जो दूसरी मंजिल होती है वो हमेशा उसमें कम, बहुत कम किराया होता है। जो प्लाजा वाले मालिकान होते हैं दे कैन नॉट उसको किराए पे सही अच्छे किराए पे नहीं लगा सकते। सो आप आराम से सोच लो आपने 1,00,000-2,00,000 की सिर्फ मैक्सिमम इसका किराया देना है। बट मेक श्योर यू गॉट लॉट्स ऑफ विंडोज आगे पीछे ताकि यानी अंदर लाइट आ सके दिन के टाइम, और प्लस उसकी मशहूर भी हो सके जब लोग देखेंगे जी वर्कआउट हो रहा है जी, अच्छा यहाँ पे जिम है। इसमें आपकी जो साइनेज है वो भी शामिल है। 1,00,000 मार्केटिंग बजट जो है इश्तिहार लगाने के लिए, उसको जिम का ऐलान करने के लिए, वो भी इसमें शामिल है। पहले 6 महीने की स्टाफ की सैलरीज, पहले 6 महीने किराया भी शामिल है। एवरीथिंग कंफर्टेबली आप 1,25,00,000 में उसमें कर लो, एंड मे बी आपको फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ा चेंज बच जाएगा। अब वॉट यू नीड टू बी एमिंग इज कि मिनिमम आपको 1,000 मेंबरान जो है ना साइन अप करने हैं, जिसकी वजह से आपके पास 20 से 30,00,000 महीना आपकी रेवेन्यू जनरेट होगी। उसमें से आपने सैलरी निकालनी है, सैलरी आप हसबे इलाका काट लो। यू नीड फिटनेस ट्रेनर्स जिनको एक क्वालिफिकेशन चाहिए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। मैंने यहां पर सबके साथ लेवल 3 रखे हुए हैं। ये डिपेंड करता है बंदे पे, उसने 2 हफ्ते में करनी है, 3 हफ्ते में करनी है। जो हमारे यहाँ पे नजदीक कॉलेज हैं, कॉलेज तो हमेशा टाइम वेस्ट करते हैं, जो फॉर्मल होते हैं गवर्नमेंट वाले वो 60 दिन में ये कोर्स सिखाते हैं। ठीक है, दे मस्ट हैव फर्स्ट एड, सब क्या आपका जो स्टाफ है दे मस्ट नो फर्स्ट एड। सैलरीज निकाल दो 1,25,000 होंगी, बट इसका भी मैं तरीका बताता हूँ जहां पर आपका जो स्टाफ है आपके लिए मजीद किस तरह पैसे कमाएगा, दिस विल कम एट द एंड। अच्छा, इक्विपमेंट आराम से 5-6 साल निकाल देगी आराम से। इसमें अगर खराब होंगी तो ये गद्दियां खराब होंगी, गद्दियां जो है उन पर आपको जल्द फिर लगानी पड़ेगी। बार्स एक आध छोटे मोटे जो रस्से होते हैं वो टूट जाएंगे, आपको रिप्लेस करने पड़ेंगे, बट ओवरऑल 5-6 साल आपके आराम से गुजर जाएंगे। और जब 5-6 साल गुजर भी जाएंगे यू विल स्टिल बी एबल टू सेल दैट इक्विपमेंट किसी यानी छोटी जिम को, नई जो होती है सेटअप्स मारी जिम, उसको आप उस पर फिर भी हट सकोगे। ठीक है, जिम का सामान लेने के लिए काजी साहब से रब्ता करिए, ही विल टेक यू। अगर आप चाइना जाना चाहते हो या गो टू चाइना, बाय एवरीथिंग योरसेल्फ, एक्सपीरियंस भी अच्छा है। टिकट शिकट के सारे इसमें पैसे शामिल होंगे इंशाल्लाह। ये जो 120 यू नो 1,20,00,000 का जो सेटअप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और मैं क्यों जिम में हूँ, इस जिम की कहानी ये है कि आई हैव दिस प्रॉपर्टी, अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, अब इसका क्या करना है। बाकी हमारे पास फ्लैट्स हैं, मकान है, हमने सोचा यार यहाँ पे या होटल बन सकता है इतनी बड़ी प्रॉपर्टी पे, या जिम ट्राई कर लेते हैं। एमी शोकिया हमने किया था, डिडंट कॉन्सेंट्रेट, इसको ज्यादा जोर नहीं लगाया था अब तक।
तो अब पहली बार शायद मैं इस पर कुछ जोर लगा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि अच्छा इसका कुछ बनता है, कि क्योंकि मैं जब पाकिस्तान जाऊँगा इंस्टेड ऑफ बाइंग ए फर्ज को 1 करोड़ का मैं प्लॉट ले लेता हूँ, 2 करोड़ का प्लॉट ले लेता हूँ, यार आई नो 50 बंदे जिनका या तो नेगेटिव में प्लॉट गया हुआ है या 3-4 साल दे हैव नॉट मेड नथिंग, 10-10 साल उनके पास प्लॉट है, उन्होंने कुछ नहीं कमाया. आई वॉन्ट समथिंग, आई वॉन्ट रिटर्न, और मुझे मिनिमम एफर्ट के लिए चाहिए. सो आई वॉज थिंकिंग यार वहां पर मैं 30-40 जिम्स खोल दूंगा इंशाल्लाह ओवर टाइम, यकदम नहीं, एंड उसका चेन बना दूंगा, एंड इट शुड बी अच्छी जब तक इफ आई फाइंड द राइट मैनेजमेंट इट शुड वर्क एब्सोल्युटली परफेक्टली. एंड मैं आपको क्यों बता रहा हूँ अपने आइडियाज, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक रूल है कि यू शुड आप जो अपने लिए पसंद करते हो दूसरों को बताओ, और अगर आप में से कोई जाके इंशाल्लाह आपको हिम्मत दे आप खोल देते हो नो प्रॉब्लम, इस खोपर में डेरू आइडियाज मैं कहीं और कुछ और कर लूंगा इंशाल्लाह. एनीवे सो हो गया कि पैसे कितने लगते हैं, स्टाफ कितना आपका लगता है उस पर, उसके फिर आप उस 20-30 लाख में से आप किराया निकालो, बिजली का लगा लो खर्चा, और जब आप जिम बनाते हो फुट टन्स ऑफ लाइट, यहाँ पे कम अज कम आई डोंट नो मैंने लाइट की कोई वो बचत नहीं की ओके, और लेकिन मैंने सोलर, ये ट्यूब लाइट्स हैं लेकिन ये LED वाली हैं, सॉरी वहां पे आप डेरू सोलर पैनल लगा सकते हो, यहाँ पे मैं सोलर इसलिए नहीं लगा सकता बिकॉज यहाँ पे सोलर इज स्टूपिडली एक्सपेंसिव. मेरा तकरीबन आप पाकिस्तानी 60 लाख का लो, इतना बड़ा छत है 60 लाख लगने वाला था, मैंने कहने रहने दो बिकॉज एक दिन में मैंने इस पूरी बिल्डिंग को गिराना है, और यहाँ पे सुपरमार्केट ने आके मुझे ऑफर भी दे दिया, जिस थोड़ा कागजी काम चल रहा है इसको मैंने सारा गिरा के उन्होंने यहाँ पे कार पार्क होगी जहाँ पे मैं बैठा हूँ और पीछे सुपरमार्केट होगी. ये तकरीबन जगह ना 15 कनाल के करीब है ओके, ये जो जगह है. तो व्हाट एल्स, इसका क्या और करना है, अच्छा मजीद आप पैसे किस तरह कमाओगे, ये तो होगी जो आप पैसे सिर्फ और सिर्फ मेंबरशिप से कमाओगे राइट. इसके अलावा जितना आपका स्टाफ है वो PT ट्रेनिंग कर सकता है ठीक है, जितना आप उस पर जोर लगाओगे. उसमें क्या होता है, यू कैन, पाकिस्तान के मुख्तलिफ रेट्स हैं, पॉश भी मैंने देख ली, हल्की फुल्की भी देख ली, लेकिन आराम से आप फी जो मेंबर है नया जो अपना जो आपसे वो ले रहा है फिजिकल ट्रेनिंग ले रहा है, तो वो 500 रुपए आप फी बंदे से उसी वक्त समझ लो आपने निकाल लिया आफ्टर गिविंग पूरा स्टाफ इंसेंटिव कीजिए, अब हम आपको 10% कमीशन देंगे या 20% कमीशन देंगे ऑन एवरी जो बंदा आप जिसको आप ट्रेन करते हो ठीक है. आपने किसी को वहां पे और गैर को आने नहीं देना ट्रेनिंग करने के लिए ओके, यानी PT नहीं आ सकता वहां पे ट्रेनिंग करने के लिए, आपके ही बंदे वहां पे ट्रेनिंग करेंगे. एंड ये करना पड़ता है इफ यू वांट टू मेक मोर मनी. वहां पे आप पानी बेचो, यहां पे फर्ज करो हमें 14 पेंस की एक पानी की बोतल पड़ती है, हम पाउंड की बेचते हैं, पाकिस्तान में आपको 10-11-12 रुपए की बोतल पड़ेगी, आप 45 की बेच सकते हो, 35 की बेच सकते हो, 40 की बेच सकते हो, डिपेंडिंग ऑन ब्रांडेड एक्वाफीना है या नॉन ब्रांडेड है, नेस्ले वगैरह ठीक ठाक 40-45 की बिक जाती है. व्हाट एल्स, आप वहां पे रेडी मील्स दे सको, जो बंदा फिटनेस कर रहा होता है उसको आपको फ्रिज में एक बार एक दिन आप किसी रेस्टोरेंट के साथ डील कर लो, वो तैयार कर देंगे और आप अपनी फ्रिज में रख दो, 3-4 दिन तो उसको कुछ नहीं होता, ठंडी टर्की होगी, ठंडी चिकन होगी, साथ उसके सलाद, इसमें भी ठीक ठाक पैसा है. प्रोटीन्स आप बेचो, प्रोटीन पाउडर्स जो प्री वर्कआउट्स वगैरह होते हैं इनमें, यहाँ पे UK में हमें मार्जिन नहीं मिलता क्योंकि ऑनलाइन यहाँ पे बहुत चल गया है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान में यू शुडंट हैव दिस प्रॉब्लम, ये आपको मसला नहीं होगा, ठीक अभी भी मार्जिन उसमें होगा. मजीद आप क्या कर सकते हो, यू कैन क्लासेस लगा सकते हो फिटनेस वाली, अगर आपको लेडीज वाली जिम बनानी है लाइक, यानी इस जिम में भी ऐसे हैं दो शाखें हैं, 3-4 हैं वैसे, बजट जिम, बहुत सस्ती जिम, उसकी भी बात करेंगे एंड पे, जो पॉश जिम मैं कह रहा हूँ ऊंचली वाली ऊंची नस्ल की, फिर लेडीज की अलहदा हो जाती है, मेंस की अलहदा हो जाती है, एक ही साइड पे बनाओगे तो बेहतर होगा, यहाँ पे कपल्स आते हैं, लड़कियां ऊपर चली जाती हैं, मर्द हजरात नीचे आ जाते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. कैमरेज आपको ज़ाहिर लगाने पड़ेंगे हर जगह, यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 21 कैमरे हैं, एंड मुझे पता है मेरे भाई कह रहे थे दैट वी नीड टू पुट अलॉट मोर, 8-9 और हम लगाएंगे क्योंकि जो नए सेक्शन बनाए हैं जो आगे नए बन रहे हैं इनकी जगह, और एक आध जगह पे यानी जहां पे कैश रजिस्टर है वहां पे डायरेक्टली ऊपर कैमरा नहीं लगा हुआ, जो मेरी गलती है, पीछे उनके लगा हुआ है, दिखाई देता है कंप्यूटर्स पे क्या हो रहा है. फिर जाहिर अच्छा इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर भी चाहिए, देहरूम रेडीमेड सॉफ्टवेयर मिलती है, हमारे यहाँ कार्ड होता है, लेकिन हमने थंब प्रिंट पहले ओरिजिनली लगाना था लेकिन उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी ठीक है, और हमने RFID कार्ड दिया हुआ है लोगों को, मुफ्त का पहले देते हैं, और जब वो अगर खुदा ना हास्ता मिस कर देते हैं या उनसे गुम हो जाता है वी चार्ज अनदर 5 pounds रिप्लेसमेंट के लिए. कार्ड की हमें कॉस्ट 50 pence आती है, वो भी नहीं आती है, लेकिन उस पर प्रिंटेड अपना सारा कुछ होता है.
सो दैट्स द जिस्ट ऑफ इट बंदो. जिम्स पाकिस्तान में बढ़ रही हैं, इंडिया में बढ़ रही हैं, फिटनेस का रुझान हो रहा है, यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी इंशाल्लाह. लास्टली कुछ बंदे मुझसे कहेंगे जी आजाद भाई मेरे इलाके में तो हम 700 रुपए देते हैं, 500 रुपए देते हैं, 600 रुपए देते हैं, 800 रुपए देते हैं. अगर आप उस इलाके में जाते हो, अगर आप चाहते हो आपने छोटी जिम खोलनी है, नॉन ब्रांडेड, बस छोटा मोटा हल्का फुल्का, दैट कैन स्टिल वर्क. लेकिन उसके लिए आपको 1 करोड़ 25 की नहीं जरूरत, 25 लाख 30 लाख आराम से निकल जाएगा. यू डोंट हैव टू गो क्रेजी, लेकिन कोशिश करिएगा टू क्राई की जगह पे. ओके, अगर फर्ज करो आपका अपना प्लाजा है, जिस तरह मैं हर बार आपको आइडियाज देता रहता हूँ कि इस मंजिल पे बॉलिंग एलिंग बनाओ, इस मंजिल पे यानी जिम बना लो वगैरह वगैरह, सो ये भी उसमें है कि इस मंजिल पे जिम बना लो. ठीक है, तो ये बंदो है जिम वाला बिजनेस. उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. आपकी मजीद खास मदद नहीं कर सकता आपको, मे बी किसी वक्त इस जिम का टूर करवा दूंगा अपनी का, लेकिन फिलहाल देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल वर्किंग. और सबसे भी आगे यहाँ पे मैंने बंदों को बाहर निकाला जबरदस्ती ताकि आई कैन एटलीस्ट शूट दिस, वरना ठंड ठंड वगैरह हो रही थी. दूसरी जगह पे हर बंदे से इजाजत मांगनी पड़ती है, ऐसा ऐसी दुनिया आ चुकी है एंड इट्स नॉट रियली गोइंग टू वर्क. किसी रात के मिडल में हम कर देंगे, अभी भी शाम हुई, अभी मगरब हो चुकी है, इशा और मगरब के दरमियान टाइम है. तो आई डोंट थिंक कोई चीज़ रह गई जो आपको बतानी हो. इक्विपमेंट चाइना से आती है, अगर आपको सस्ती लेनी है बनिस्बत, मैंने यहाँ पे यहाँ से 5 गुना 6 गुना सस्ती ली है, वरना ओरिजिनल कॉस्ट यहाँ पे सेटअप तो ना पूछो, मैं बता भी नहीं सकता. तजर्बा अच्छा, जिम खोलने से पहले यू मस्ट गो टू एटलीस्ट 3-4 जिमें, माड़ी मोटी अच्छी पॉश जो भी हैं उनके पास जाओ. बेशक पैसे क्यों ना देने पड़े, स्पेंड 3 to 5 days इन ईच जिम. ठीक है, 12 घंटे यहाँ पे, 36 घंटे आपने लगाने हैं, 12 घंटे यहाँ पे, 12 घंटे यहाँ पे, 12 घंटे यहाँ पे. आई नीड यू टू लर्न कि जिम वाला बिजनेस कैसे चलता है, हैंड्स ऑन. ठीक है, अगर आपको ड्रिल चलानी नहीं आती, गो लर्न इट. अगर आप हैंड्स ऑन नहीं होंगे, आपने मुझे देख लिया, आई गेट माई हैंड्स डर्टी, मैं अपने हाथ गंदे करता हूँ जब भी मुझे कोई नया बिजनेस सीखना होता है या उसको कुछ तुल देनी होती है, पुश देनी होती है. बियॉन्ड दैट अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब वगैरह. मैं इतनी मेहनत से वीडियोज बनाता हूँ, बंदा कोई हौसला अफजाई कर देता है एक बंदे की. अगर आपने जिम बनाई तो प्लीज डू शेयर विद मी कि आपने बनाया, आजाद भाई ये आपकी जिम देख के मैंने बनाई है, एंड ऑल द बेस्ट. यहाँ पे मैंने डेरू जगह छोड़ी है इसलिए यहाँ पे टैक्स वगैरह लिखा है. तो बियॉन्ड दैट और कुछ नहीं रह गया. अस्सलाम वालेकुम.